सभी लोग, आज हमारे सामने है भाई टाटा पंच, जो कि रिदम है, रिदम मॉडल है, ठीक है। देख सकते हो यार गाड़ी का कुछ मैं ओवरलुक आपको बता देता हूँ कि कैसा है कुछ गाड़ी देखने में आगे पीछे। भाई सुबह सुबह का टाइम तो सोचा भाई ये गाड़ी आया था, भाई रिव्यू कर लेते हैं इसका भी। गाड़ी का काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखने में, बैठा आज फील लिया तो भाई गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो देख सकते हो भाई कुछ ऐसा पूरा गाड़ी का ओवर लुक है। और यहाँ पर आपको एक सिंबल देखने को मिलेगा, देख लो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, यहाँ देख लो हल्का सा दिख रहा होगा तो, हाँ देखो अब दिख रहा पूरा राइनो का दिख रहा, ठीक है। ये चीज़ भाई सिंबल करता है भाई इस गाड़ी को कि भाई इस गाड़ी का वजन, भाई बॉडी 5-स्टार रेटेड कार सब जगह मतलब दिखता है भाई कि पूरा बॉडी पर देख लो आप पूरा 5-स्टार रेटेड कार, ठीक है। अगर आप भाई 8 लाख के हिसाब से अगर आप एक SUV चाहते हो तो आप ज़रूर इस पर जा सकते हो भाई। अगर SUV वाली फीलिंग चाहते हो, टफ एंड रफ वाली, तो आपको इस गाड़ी पर ज़रूर जाना चाहिए। तो आज ऐसा क्या है इस गाड़ी पर हम लोग ये बताने वाले हैं भाई, तो वीडियो पे बने रहना यार। चलो आज इस गाड़ी का हम लोग रिव्यू स्टार्ट कर देते हैं भाई। तो सबसे पहला चीज़ मेरे को गौर यहाँ पर देखने को मिला भाई, यहाँ पर देख सकते हो DRL, ठीक है, वो भी LED नहीं आता है, ठीक है, हैलोजन के साथ आता है। वो भी देख लो यहाँ पर एक इंडिकेटर का प्लेसमेंट है, यहाँ पर एक हेडलाइट का प्लेसमेंट है, ठीक है। बम्पर आपको कुछ इस टाइप में मिल जाता है, देख लो डिज़ाइन के साथ ओवरलुक कैसा आ रहा है इसका, देख लो यहाँ पर, देख लो यहाँ पर ये क्रोम फिनिश के साथ दिया हुआ है, यहाँ पर हॉर्न के लिए कुछ एक जगह दिया हुआ है, यहाँ पर क्रोम फिनिश के साथ टाटा का यहाँ लोगो आ जाता है भाई। यहाँ पर देख लो प्रोजेक्टर के लिए दिया हुआ है, लेकिन आपको आफ्टर मार्केट करवाना पड़ेगा, बाकी तो कंपनी इतना ही देगा भाई आपको एडवेंचर रिदम मॉडल पर, ठीक है। एडवेंचर रिदम मॉडल यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक इंडिकेटर आ जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा पीछे से यहाँ से डोर ओपनिंग का कुछ ऐसा आ जा रहा, ठीक है। ऊपर भाई ये सब आफ्टर मार्केट लगा गया, तो ऊपर वो सब पे ध्यान मत देना कि वो सब आने लगा कंपनी तरफ से, वो सब कुछ नहीं आने वाला भाई। देख लो साइड से कैसा है कुछ गाड़ी, ठीक है। यहाँ पर देख लो एक ब्रेक लाइट का यहाँ पर दिया गया, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स दिया गया कुछ स्टेप में, टाटा पंच का यहाँ पर ये ला जाता नाम आ जाता, कैमरा भी दिया गया भाई इस गाड़ी पर, ठीक है। तो टाटा के लोगों के साथ कैमरा भी दिया गया इस पर, देख लो यहाँ पर ब्रेक लाइट ये सब सारा कुछ आ जा रहा भाई। तो भाई अगर एडवेंचर रिदम मॉडल अगर आप जाना चाह रहे हो तो भाई जरूर जा सकते हो भाई, 8 लाख का, अगर 8 लाख में अगर आप चाहते हो SUV और भी बलिन सेफ्टी के साथ, अपने फैमिली की सेफ्टी के साथ, तो आप इस पर जरूर जा सकते हो यार। तो उस पर कोई बहुत ही अच्छा गाड़ी है भाई। इसके बाद चलो आज हम लोग अब इंटीरियर पर आ जाते हैं भाई, इंटीरियर कैसा है क्या कुछ यहाँ पर देख लो। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लो यहाँ पर प्रेशर जैसे यहाँ पर है ना, देख लो यहीं पर सारा चीज़ वाइपर्स कुछ ऐसा दिखने को लगता है भाई। देख लो यहाँ पर एलो व्हील नहीं आता, ठीक है, एलो व्हील नहीं आता इस पर, देख सकते हो यहाँ पर कवर आ जाता है, एलो व्हील नहीं आता। तो अब हम लोग आ जाते हैं भाई इंटीरियर पे, इंटीरियर पे क्या कुछ है इस गाड़ी पे, चलो देख लेते हैं इंटीरियर पे। तो भाई आपको मैं की दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले, तो कि गाड़ी का की कैसा है, ठीक है। देख लो गाड़ी का की कुछ ऐसा इस पर क्या क्या, रुक जाओ मैं इधर फोकस कर लेता हूँ, हाँ देख लो गाड़ी का की कुछ ऐसा आता है, टाटा पंच का की, ठीक है, कुछ ऐसा भाई दोनों तरफ से देखने में, टाटा का लोगो भी आ जाता है वैसा वैसा, ठीक है। अब इस पर भाई एक चीज़ है, देख लो यहाँ पर लाइट वाइट सब दे रखा है भाई चाबी पे भी, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऑन कर लेता हूँ तब गाड़ी का, पहले इंटीरियर में रिव्यू कर लेता हूँ कि इंटीरियर कैसा है, ठीक है। तो इंटीरियर में रिव्यू कर लेता हूँ, तो सबसे पहला चीज़ तो आपको यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा होगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि कुछ ऐसा इस टाइप में दिख रहा है। स्टेयरिंग पर माउंटेड कंट्रोल्स है, यहाँ पर देख लो कुछ वाइपर्स के यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पर AC वेंट्स आ जाते हैं, वो भी क्रोम फिनिश के साथ, देख लो आउटर साइड पर क्रोम फिनिश के साथ आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर एक ड्राइव मोड्स मिल जाता है आपको, ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, देखो सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, देख लो यहाँ पर लिखा आ जाता है। तो आपको इसमें दो मोड्स मिल जाता है भाई, देख लो यहाँ पर कुछ ORVM के कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पर पावर विंडो सब फोर्स है भाई, सारा चारों के चारों पावर विंडो है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर बस इंटरनली आप ये नहीं कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं, फोल्ड नहीं कर सकते हो मिरर को ORVM को, बाकी आप मैनुअल है, देख लो ये थोड़ा सा ये मैनुअल है, ठीक है, बाकी सब आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, देख लो अगर दिख रहा हो भी रहा, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो भाई। और उसके बाद गियर नॉब कुछ ऐसा मिल जाता है भाई टाटा का, यहाँ पर देख लो अच्छा खासा स्पेस है की वही रखने के लिए, ठीक है, की रखने के लिए अच्छा स्पेस है, हैंड ब्रेक कुछ ऐसा प्लेसमेंट किया हुआ, बाकी यहाँ पर भी अच्छा खासा स्टोरेज है भाई, कुछ अपना सामान वामान पॉकेट वगैरह रख लेते हो, रख सकते हो कुछ भी अपना पर्स वर्स या मोबाइल वोबाइल। देख लो यहाँ पर कुछ AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं भाई, देख लो काफ़ी देखने में थोड़ा सा प्रीमियम तो है भाई, ठीक है, प्रीमियम तो है गाड़ी। चलो इसको ऑफ कर दो पहले, देख लो यहाँ पर कुछ ऐसा, यहाँ पर देख लो पार्किंग के लिए यहाँ पर लाइट दिया हुआ है, यहाँ पर देख लो यहाँ पर
इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे याद तो नहीं है भाई कितना का है, लेकिन भाई एक चीज़ है इसका, मैं आपको डिस्प्ले पे बता दूंगा, स्क्रीन पे शो कर दूंगा कितना इंच का है। ठीक है, 7 ईयर, हाँ 7 ईयर कुछ है शायद, 7 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो टच रिस्पॉन्स भी कैसा है इस कंपनी का, देख लो यहाँ पर सारा चीज़ आपको मिल जा रहा है भाई, ब्राइटनेस अप डाउन करने के लिए सारा कुछ यहाँ पर देख लो दिया गया। तो ओवरऑल भाई गाड़ी का टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, आपका एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है, तो इसको अभी ऑफ करते हैं। उसके बाद देख लो भाई कुछ यहाँ पर ये दिया गया है रखने के लिए, अपना ये फाइल वाइल, अपना डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ रख सकते हो अपना। ठीक है, और यहाँ पर आपको भाई टाटा पंच पे 4 स्पीकर्स मिलते हैं भाई और 6 ट्विटर्स मिल जाते हैं टोटल। ठीक है, अब 6 ट्विटर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब शायद मेरे को नहीं पता ट्विटर ही है कि बेस के लिए वो चीज़ नहीं पता, लेकिन ये देख लो यहाँ पर, वहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 और पीछे साइड भी भाई 7 8। ठीक है, 9 10 मतलब टोटल देख लो वहाँ पर दिया, दिखा दिया मैंने क्या 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 नहीं है। यहाँ पर कुछ बोटल होल्डर्स भी मिल जाते हैं भाई, देख लो यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर, बोटल होल्डर, सब सामान वामान रखने के लिए भाई काफ़ी अच्छा है। तो चलो अब हम लोग भाई पीछे साइड पर आ जाते हैं भाई, इस पर देख लो एक लाइट मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइट है और यहाँ पर एक RVM का ये है, तो बाकी भाई गाड़ी तो सही है। देख लो यहाँ पर एक मिरर भी दिया गया। तो चलो हम लोग पीछे आ जाते हैं कि पीछे कैसा है कुछ ओवरऑल। तो भाई अब हम लोग आ गए हैं पीछे का सीट पे। अब हम लोग सबसे पहले तो भाई बैठने के साथ कंफर्ट चेक करते हैं गाड़ी का कि कंफर्ट कैसा। तो देख लो कंफर्ट यार, थाई सपोर्ट भी देख लो अच्छा है। ठीक है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है। यहाँ पर देख लो आपके एक मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाता है यहाँ पर, कप होल्डर। ठीक है, उसके बाद पीछे एक साइड कंफर्ट भाई काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, तो आपको कहीं कमी नहीं लगेगा, कंफर्ट बहुत ही अच्छा है गाड़ी पे। पीछे भी देख लो आपको एक बोतल होल्डर ये सब मिल जाता है, पावर ये मिल जा रहा है आपको, तो भाई गाड़ी पे तो कुछ कमी नहीं है भाई। तो देख लो यहाँ पर कुछ सही है यार गाड़ी का, वैसे सही है ओवरऑल अगर आप देखोगे, अगर इस टाइप में बजट में भाई तो कम्फर्ट बहुत ही अच्छा है। देख लो यहाँ पर सीट का कुशनिंग भी काफ़ी अच्छा, सारा कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा है इस गाड़ी पे। देख लो एक यहाँ पर ये मिल जाता होल्ड करने के लिए मिल जाता। तो चलो भाई गाड़ी तो यहाँ पर पीछे से भी देख रहे हैं भाई, पीछे से भी कंफर्ट काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का डोर ओपनिंग है भाई, देख लो 90 डिग्री, ताकि आपको फैमिली में कोई अगर बुजुर्ग हैं तो भाई उनको बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा, चाहे मतलब ये नहीं लगेगा एंटर करते टाइम उनको अनकम्फर्टेबल नहीं लगेगा, वो आराम से गेट पर जा सकते हैं। तो गाड़ी का तो कुछ ऐसा है भाई, डैशबोर्ड पर देख लो फिनिशिंग के साथ दिखा दे रहा हूँ मैं एक बार, फिनिशिंग काफ़ी मजबूत है भाई, मजबूत है, काफ़ी मजबूत है। देख रहे हो ठोक रहा हूँ मैं ऐसा करके, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आ जाते हैं भाई बूट स्पेस पे कि बूट स्पेस कितना है इस गाड़ी पे। तो कहाँ गया, हाँ देख लो बूट स्पेस ओवरऑल भाई काफ़ी सामान हट जाएगा यार, फिर भी मेरे को एग्जैक्ट तो ना याद है कि भाई कितना इस पे कितना लीटर का बूट स्पेस आता है, तो मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, लेकिन सामान वामान रखने के लिए भाई काफ़ी अच्छा। ठीक है, अच्छा, हाँ अच्छा है यार, बहुत ही अच्छा। हाँ आप अपना सामान वामान लगेज वगैरह आराम से रख सकते हो अगर आप कहीं जा रहे हो ट्रिप पे तो। ठीक, तो यहाँ पर देख लो 1 kg तक आप यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर दे दिया गया 1 kg के लिए। यहाँ पर एक लाइट भी मिल जा रहा आपको, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा, लाइट तक भी मिल रहा है यार, तो आप क्या खोज रहे हो। अगर रात पे अच्छा अच्छा गाड़ी पे भी अभी नहीं मिल रहा, कुछ कुछ इसके बजट के गाड़ी पे भी अभी नहीं मिल रहा, और भी इतना सेफ्टी और एक SUV वाला फीलिंग तो आपको इसी पर आने वाला। कुछ देख लो इस टाइप में लॉक वॉक के लिए, ठीक है प्रीमियम लग रहा है, देख लो सारा ये भी लाइट लग रहा, हाँ ये भी शायद लाइट ही है दोनों साइड पे, देख लो नंबर प्लेट के लिए है वो तो। तो यहाँ पर तो भाई टाटा पंच भाई हर एक चीज़ भाई, मजबूती तो आपको टाटा पंच पे हमेशा मिलेगा। तो बलेनो वलेनो के ऑप्शन पे अगर 8 लाख के बजट पे अगर आप बलेनो ये सब देख रहे हो तो यार मैं तो बोलूँगा भाई कि मत देखो। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए चाबी निकाल के और एक फीचर्स में की का भी बता देता हूँ कि क्या है इस गाड़ी का की फीचर। तो इसमें आपको भाई फॉलो मी हेडलैम्प भी मिल जाता, तो देख लो यहाँ पर अगर मैंने की प्रेस किया देख लो, ठीक है फिर मैं यहाँ पर टिपूंगा ये ऑफ हो जाएगा। तो भाई इस पर की फीचर्स फॉलो मी हेडलैम्प्स का भी ऑप्शन आ जाता है इस गाड़ी पे, इस मॉडल पे। तो भाई इंजन का मैं दिखा देता हूँ कि इंजन कैसा है कुछ। तो भाई 1200 cc का आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है इस पर, तो देख लग सकते हो भाई कैसा है। थोड़ा सा गैप तो है भाई, गैप तो है इंजन पे थोड़ा सा, देख लो आपको सारा चीज़, लेकिन देख सकते हो कैसा है क्या है कुछ ओवरऑल देख सो।
भाई गाड़ी पे तो भाई कुछ कमी नहीं लगा यार अभी तक तो, ठीक है थोड़ा सा आपको दबाव मांग के चलेगा अगर आप गाड़ी को अगर फील करोगे, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो पे मैं बता दूंगा, अभी तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ मैं चलाने पे कैसा है, मैं पूरा एक बार डिटेल लेके मैं आपको ओवरऑल बता दूंगा कि गाड़ी कैसा चलने पे क्या है एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज। तो देख लो यहाँ पर इंसुलेंस दिया गया है, तो गाड़ी भाई काफ़ी हैवी है ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है काफ़ी ऐसे देखने में भी। तो अगर आप टाटा पंच की तरफ जाते हो भाई तो आप ज़रूर जाना चाहिए भाई आपको, अगर आप पावर मैटर्स तो आपको भाई बाद में ही मैं बता दूंगा कि पावर मैटर्स करता है कि नहीं करता, बाकी बोनेट बंद करते हैं। हो हैवी था भाई हाथ दर्द दे दिया। तो अगर आप एडवेंचर मॉडल की तरफ जाना चाहते हो भाई, एडवेंचर रिदम की तरफ अगर टाटा पंच की तरफ अगर आप जाना चाहते हो तो भाई ज़रूर जा सकते हो ठीक है, उस पर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको भी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो पे मैं बता दूंगा भाई इसका एडवांटेज का डिसएडवांटेज क्या है क्या नहीं है ठीक है, इसके वीडियो पे ठीक है नेक्स्ट वीडियो पे मैं बता दूंगा सारा चीज़ आपको, मैंने ओवरऑल बता दिया कि गाड़ी कैसा, बाकी तो आपने वीडियो देखा ही होगा भाई अगर अदर पे भी चैनल पे भी वो वीडियो आपने देखा ही होगा फुल रिव्यू। बाकी भाई अभी मैंने शॉर्ट रिव्यू किया थोड़ा सा, तो भाई आपको वीडियो के लिए लेट हो रहा भाई, मतलब मैंने बैटरी भी नहीं है फ़ोन पे। तो अभी के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो पे अगर हम लोग जाएंगे फर्स्ट सर्विस होने देते हैं इस गाड़ी का, उसके बाद हम लोग ड्रैग रेस भी करके देखेंगे या एस्प्रेसो से या कुछ किसी से ड्रैग रेस भी करके देखेंगे, लेकिन अभी के लिए भाई आपको टेस्ट ड्राइव का भी मैं रिव्यू बता दूंगा कि गाड़ी चलने पर कैसा क्या है, इंफोटेनमेंट सिस्टम स्पीकर सारा कुछ मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो पर। तो टिल देन भाई अभी के लिए बाय बाय, चलो।